आपका नाम अजीत भारती जी है, इनका विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ उसमें भी रिकॉर्डेड नाम है इनका, मेमोरी के बारे में। मेमोरी तो इतना शार्प है इनकी कि आप कुछ भी आप पूछेंगे, यानी बहुत सारे हजारों वर्ड अगर आप एक साल लिख देंगे विद इन सेकेंड ये आपको लर्न करके बता सकते हैं। India's number one institute, Vedanta IAS Academy. Coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student. Online smart classroom. Live class with Android app. Vedanta IAS Academy. Contact number 9911753333 or visit www.vedantaiasacademy.co.in. Branches at Rohini and Mukherjee Nagar, Delhi. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बड़े इजी वे में देख सकते हैं। जैसे बेटा आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14th अप्रैल आगे 1994 थर्सडे है ना? पक्का? चलिए, हो सकता है नहीं याद ना हो। कोई मैरिज एनिवर्सरी किसी की याद हो, या कोई ऐसा पक्का श्योर हो जिनको अपना डेट याद हो? हाँ जी, वो बता रहे हैं 26 मई 1992। कितना सेकंड लगा? 26। इनका ये मानना है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है मेमोरी के बारे में, याद करने के बारे में। हर कोई सीख सकता है। मैंने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। बोले नहीं, मैं प्रूव कर सकता हूं। तो हो सकता है ये आपको कुछ ऐसी टिप्स दें, आपको सीखने का मौका मिले। तो एक घंटे के लिए आपका एक लेक्चर इनके साथ होगा। एक घंटे में वो चीज आप ले जा सकते हैं जो आपके लाइफ में, आपके करियर में बहुत कुछ आपके लिए काम आएगा। इसके साथ साथ अगर फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, अगर इनको लगता है कि सीखने का इनको सीखना चाहिए, मिलना चाहिए, तो हमने इनसे बोला भी है 2-4 क्लास अगर आप दे सकते हो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसा लगेगा वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। पहले एक घंटे का इनका आप वो देखें इनसे क्या क्या आप सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज कॉल गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं होगी तो आफ्टरनून का तो सवाल ही नहीं। मैं शाम में भी मिलूंगा तो मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोलूंगा, अगर फर्स्ट टाइम मिला उस दिन तो। नहीं सही, हाँ सुबह, मतलब कि इसका मतलब ये होता ना, मतलब इससे नहीं ना कि आप उसे दोपहर में मिले या शाम में मिले। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है रेस्ट ऑफ बचे हुए टाइम उस दिन, देखा आपका सही हो। अब मान लो अगर मेरे से रात में आप 11 बजे मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग होगी, तब क्या बोलोगे? सर गुड नाइट, उस समय क्या बोलोगे आप? गुड मॉर्निंग, उस समय भी हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जब विदा होंगे तो तुम बोलेंगे गुड नाइट। मान लो आप रात में मेरे से 10:30 में मिले तो क्या, जैसे मिले और सही बोलोगे आप सर गुड नाइट, तो बात हुई कहां? नहीं, कह रही छोड़ो, इसके लिए मैं नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। मैं अपना पहले, इसके पहले वाली बैच मैंने लिया था, उसमें से कोई बच्चे हैं इसमें से? चलो ठीक है, मैं आपकी एक घंटे का समय लूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक मैं नंबर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन वेदांता में आया हूँ दिल्ली में। एक्चुअली मैं दिल्ली का हूँ नहीं, एक्चुअली मैं बिहार का हूँ, पटना बिहार का। दिल्ली में आता रहता हूँ क्लासेस लेने के लिए, दिल्ली क्या इंडिया कोने कोने, इंडिया से बाहर भी मैं जाता हूँ क्लासेस लेने के लिए। तभी सवाल उठता है कि आपके इतने रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस में सर ने अपना मुझे टाइम दिया, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने बोला कि सर मैं मेमोरी का क्लास लेता हूँ, आप मेरे को क्लास लेने दो, ऐसा तो उन्होंने क्या नहीं होगा। मैंने बताया होगा अपने बारे में, उन्होंने सर्च किया होगा। 2015 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की कंपटीशन आपके दिल्ली में हुई थी, बद्दरपुर एक जगह है, वहां आप लोग जानते ही हो, वहीं पे हुई थी। इंडिया के सारे स्टेट्स के लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया, जिसे भी लगा कि मेरी मेमोरी अच्छी है, उस सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 31 जनवरी 2015 को ये कंपटीशन थी दिल्ली में, गुजरात से लोग थे, केरला से थे, मैं बिहार से आया था, और ये कंपटीशन थी हु इज द बेस्ट मेमोरी मैन ऑफ इंडिया, और वो अवार्ड मुझे मिली और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। इसी साल 9 मार्च को दिल्ली में एक कंपटीशन थी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना जो इंडिया ऑलरेडी जीत, जैसे कैसे होती है कि कोई मिस यूनिवर्स बनता है तो उसके पहले मिस एशिया होनी चाहिए, मिस इंडिया होनी चाहिए, है ना। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था एशिया महादेश से लगभग 40 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और रिकॉर्ड्स वही थी हु इज द बेस्ट मेमोरी मैन ऑफ एशिया।
वो रिकॉर्ड भी मेरे नाम हुई, मैं सारे आप गोल्स पे मैं आपको दिखाऊंगा सारे पेपर्स कटिंग्स। 3 months back इन अहमदाबाद गुजरात 187 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इट वॉज माई ड्रीम टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे नाम से हुई आफ्टर 3 months। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने के बनाने के बाद कि मैं पहली क्लासेस ले रहा हूँ, ये अपने पटना का पेपर था। मैंने कंप्यूटर से पहले अपने दिमागों में चीजों को स्टोर कर लिया था लगभग। मैं डिटेल्स आपको दूंगा सारा। ये 3 months back पेपर से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया मेमोरी के फील्ड में। इसी साल लास्ट ईयर 9 March को मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे नाम दर्ज हुई। ये 2015 जो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया था उस समय की पेपर कटिंग है आज से 4 years back। ये मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए जो टेक्निक का मैंने निर्माण किया उसके लिए मेरा नाम नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट अवार्ड में, वो जल्दी मिलने वाली है। ये मेरे को यूथ आइकन अवार्ड मिली थी द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत गेव मी यूथ आइकन अवार्ड इन 2016। ये हमारे बिहार के हैं, आप लोग जानते होंगे फिल्म स्टार और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। 2 months back इन्होंने पटना में मुझे बिहार गौरव का अवार्ड दिया था। सो मेनी पेपर्स कटिंग्स दैट इज द डीआईसी ऑफ बिहार गेव मी। ये 1 month back का पेपर, ये सारे पेपर्स कटिंग्स हैं। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 2016 में मैंने क्लासेस लिया था। ये सारे मेरे अचीवमेंट्स हैं। मेरा दिखाने का ये मकसद ये था ना कि आपको ये पता लग पाए कि आपने 1 घंटे कहाँ पे दे रहे हो। हाँ, आप अपने ये यूट्यूब पे गूगल पे मेरा नाम लिखोगे अजीत भारती, मेरे बारे में डिटेल्स आ जाएगी। क्लासेस नहीं रहती, मेरी एडवर्टाइज रहती है, लोग मेरे बारे में जाने कि मैं क्या हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करवा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं बहुत कुछ पहले करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये चीजें होती है। देखो, हर इंसान चाहता है कि लाइफ में सक्सेस हो, नहीं कोई चाहता है कि मैं सक्सेस ना हूं। अगर आप सबसे सक्सेस होना चाहते हो तभी आप यहाँ पे बैठे हुए इस क्लासरूम में, अगर आप सक्सेस होना नहीं चाहते तो आप इस क्लासरूम में नहीं होते क्या, या कहीं भी आप जाते हो बीएड करने कहीं भी क्या। और सक्सेस होने का सबसे ज्यादा ऑप्शन होती है एडुकेशन फील्ड में। हम स्पोर्ट्स में भी सक्सेस हो सकते हैं, म्यूजिक में भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें सक्सेस ऑफ रेट थोड़ी कम होती है। अगर आप उसमें उस स्तर पे आप नहीं पहुंचा ना, तो फिर आप ऑन द फ्लोर जमीन पे आ जाओगे। लेकिन एडुकेशन ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ज्यादा कम थोड़ा ज्यादा करके भी आप ना एक सक्सेस का आप पे टैग लग जाएगा, आप कुछ ना कुछ हो बन जाओगे। एडुकेशन ऐसी चीजें होती है, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा होती है याद करना। पढ़ाई में तो याद करना का इम्पोर्टेंट सही, पढ़ाई के अलावा डेली लाइफ में भी मेमोरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेमोरी दिन डे बाय डे पिछले 10-12 सालों से और भी ज्यादा आप देखते हो कि आपकी मेमोरी डे बाय डे कम होती जा रही होगी। इसका कारण बहुत सारे रीजंस हैं। होना ये चाहिए कि हमें सुबह रात में जल्द सो जाना चाहिए और सुबह जल्द उठ जाना चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट होता होगा 100% लोगों के साथ। 1 बजे तक तो व्हाट्सएप का वेट रहता ही है, और सुबह मम्मी उठाई तो फायर हो गए, मेमोरी आएगी कि जाएगी। खैर, ये तो जनरली बात, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मेरा फोकस क्या है कि कैसे आपके कोर्सेस हैं जो आप एक बार पढ़ो, एक बार से दो बार आप पढ़ो, और होल लाइफ हमेशा जीवन भर के लिए आपको याद हो जाए। ये बात मैं बोल रहा हूंगा तो बहुत लोग बोल रहे होंगे पीछे से, सर क्या फेंक रहे हो सर। मैं इसका प्रूफ यहीं पे करके दिखाऊंगा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ऐसा हो सकता है, अगर ये बात आप बाहर में जाकर बोलोगे तो, कि ऐसा हो सकता है। आपके लिए बोल रहा हूं, खुद के लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूं। एक बार पढ़ोगे कोई चीज, एक बार में याद हो जाएगी होल लाइफ के लिए। बोलोगे सर कैसे, मैं देता हूं प्रमाण। हमारा दिमाग इसकी बहुत कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। आप उसका 1% भी सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। कैसे, देखो आपके साथ क्या होती होगी, आप कुछ भी कोई भी चीज सब्जेक्ट आप निकाला, आपको जो सब्जेक्ट याद करने से रिलेटेड हो, समझने से नहीं, याद करने से रिलेटेड हो, याद किया, नो डाउट याद हुई भी, नो डाउट मंथ दो मंथ कुछ दिनों बाद महीनों बाद जो चीज आपने याद किया था वो आपको याद है या भूल गए ना। और जो चीज आपको नहीं भूल पाए, जो चीज ऑलरेडी थोड़ा बहुत है, तो वो कंफ्यूजन में है। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछूं 19 का क्यूब क्या हो सकता है, याद था आपको, अभी नहीं है। बक्सर की लड़ाई कब हुई, याद था अभी नहीं है। ये दिवस कब मनाया जाता है, याद था अभी नहीं है, या कंफ्यूजन है, सही बोलो सर। तो जो चीजें हम याद करते हैं
दुनिया में सबसे, मैंने जहां तक रिसर्च किया, दुनिया में सबसे खराब काम है याद करना। तुम वही चीज भूलोगे जो चीज तुम याद करोगे, हमेशा याद रखो। और जो चीज तुम याद नहीं करोगे वो तुम कभी भूलोगे नहीं। मैं इसका प्रमाण दूंगा। पहले कोर्सेस पे आते हैं। हम कोई भी बुक्स निकालें, लाइक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बुक्स सिर्फ दो चीजों से बनी होती है, बता सकते हो? वर्ड्स एंड इज इट ओनली, शब्द और अंक। आपके पास बुक्स हैं, नोट्स बुक्स हैं, आपके बुक्स और नोट्स बुक्स में वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, नथिंग। कुछ लोग बोल रहे होंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो सर होता है सर डायग्राम, सिंबल, पिक्चर। मान लो मैंने पिक्चर सिर्फ देखा तो ट्रांसफर हो गई ना, विवेकानंद वर्ड्स में आ गई। अल्फा बीटा जैसे डायग्राम सिंबल, लाइक अल्फा बीटा, तो अल्फा वर्ड्स में ट्रांसफर हो गई, बीटा वर्ड्स में ट्रांसफर हो गई। वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ बोलकर आप दिखा दो, ट्राई करो कोई। वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ सोच कर दिखा दो आप, चलो कुछ लिख कर दिखा दो। अगर एक ऐसे भी हम लिख देंगे ना तो वो लाइन हो जाएगी, ऐसे भी कर देंगे तो बिंदी हो जाएगी, वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं बनी जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ लिखा हुआ। क्लियर? चलिए आपके साथ एक गेम खेलता हूं, मेमोरी गेम, देखता हूं आप लोग मुझे किसका दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, किसी का डिफरेंट होता है नेचुरली, है ना? आप रिकॉर्डिंग कर रही है? नहीं ना, हा? चलो ठीक है। देखना आप गेम क्या है कि मैं आपको अभी कुछ याद करने को दूंगा। जो कोई स्टूडेंट इसे याद करके मुझे अभी सुनाएगा, मेरी 4 डेज की क्लास हो गई, ये तो डेमोंस्ट्रेशन क्लास है, मैं अपने बारे में दिखा रहा हूं। वो 4 डेज की क्लास में लास्ट डे या फर्स्ट डे आपके सर के द्वारा आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, मैंने मैं अपनी तरफ से मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट को, जो अभी मैं जो कुछ बोलूंगा मुझे याद करके वो सुना दे। मैं बोलता हूं, आप नोट नहीं करोगे ना मोबाइल पे ना कॉपी पे। तो मैं आपको क्या याद करने के लिए दूंगा, अभी तो बताया परसेंटेज इट, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने बॉटल बोला तो वर्ड्स हो गए, पेन बोला तो वर्ड्स हो गए, अपना नाम बोलूंगा तो वर्ड्स हो जाएगा, कुछ भी वर्ड्स। मैं 10 नंबर बोलूंगा आपको, ओनली 10 नंबर्स, ये 10 नंबर्स आपको सुनना है और उसी सिक्वेंस में आपको रिपीट कर देनी है। जो कोई स्टूडेंट इसे रिपीट कर दिया मैं उसे एक सर्टिफिकेट मेडल वो मैं दूंगा आपको। चलो मैं बोल रहा हूं, आप याद करो जैसे भी आप याद करते हैं आज तक। 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, 98, 64 एंड लास्ट नंबर इज 12। आपस में डिस्कस कोई नहीं करेगा, जिसको याद हुआ बहुत हैंड राइज करो, मैं उससे सुनूंगा। डिस्कस नहीं करो आप, डोंट डिस्कस। चलो एक बार और, एक मौका और देता हूं, एक बार और बोल देता हूं, ठीक है? अब याद हो जानी चाहिए, ठीक है? सुनो, वही नंबर रिपीट कर देता हूं। 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, 98, 64 एंड 12। 10 सेकंड्स है आपके पास, अब जवाब दे दो, अब जवाब दे दो, मैं सर्टिफिकेट आपको दूंगा। लोग सुना देते हैं, बहुत लोग सुना देते हैं, आप जो डिस्कस करके सुनाएगा उसका नहीं सुनूंगा। जस्ट ट्राई, मैं जानता हूं क्या हुआ आपके साथ। मैं जब नंबर बोल रहा था ना तो बोला सर आपके दिमाग में ये सर्टिफिकेट तो मेरे नाम से हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव नंबर तक बोला तो आपको याद थी, जैसे छठा सातवा नंबर बोला पीछे वाले निकल गई। मुझे कैसे पता कि ऐसा हुआ ना, मुझे कैसे पता, मैं जानता हूं यही होता है। नहीं हुआ हा? जब 10 नंबर बोला ना, 5-6 तक सही चल रहा था, आगे गया अच्छा, तो फिर पीछे क्या था, अंत में लगा चलो छोड़ो यार। मैंने आपको याद करने के लिए क्या दिया, नंबर, इसके अलावा क्या देता, वर्ड्स, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। आप बोलोगे सर आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एशिया रिकॉर्ड बनाया, इंडिया रिकॉर्ड बनाया। मैं नंबर बोलूंगा तो क्या आप बता दोगे, आप भी बोलोगे, है ना? मैंने आपको 10 नंबर बोला, 11 डिजिट में कर देंगे तो 20 नंबर हुआ, डबल डबल डिजिट 10 नंबर हुआ। आप कितने नंबर बोलोगे कि मैं भूल जाऊंगा, नंबर आपको बोलने हैं। बोलो, ऐसा करो ये व्हाइट बोर्ड है, आप जो भी नंबर बोलोगे बोर्ड पे लिखी जाएगी, मैं देखूंगा भी नहीं बोर्ड। नंबर आप बोलोगे 1 by 1 सीक्वेंस में, यहां से नंबर शुरू करो, यहां पे नंबर खत्म करो लिखना। आप बोलो जो नंबर आप बोलोगे वही बोर्ड पे मेंशन होगी, सर लिखेंगे, मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं, देखता हूं याद कर पाता होगा नहीं। बहुत लोग पीछे बोले सर जितना फेंकना है फेंक लो,
अगर फंस गए तो समझा दूंगा, फिर जितने स्मार्ट बन रहे हो सारा स्मार्टनेस यहीं पे निकल जाएगा, है ना। ट्राई करता हूँ, बहुत रिक्सेबल है, नहीं हुआ तो बहुत जूता चप्पल लगेगा यहाँ पे। खैर जूता चप्पल मारोगे तो जूता सब कीमती पहने हुए है, मैं लगेज लेकर आया हूँ। करना क्या है, अरे फोटो छोड़ो ना, हम जान रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, जो काम करना है उस पर ध्यान दो ना, फोटो खींच रही हो। आप पहले नंबर बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, सीक्वेंस में आप नंबर बोलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में। मैं बोर्ड देखूंगा नहीं, जिस तरह मैंने नंबर बोला आप भी नंबर बोलोगे, और जब तक ये नंबर बोर्ड भर ना जाए आप ना डिस्कस बिल्कुल नहीं करोगे। मैं देख रहा हूँ, मेरी नजर सब पे रहती है, अब मैं फेस रीडर भी हूँ, मैं सब कुछ रीड कर लेता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, इसलिए ज्यादा आराम से इधर से नहीं। टू दिस नंबर 29, हाँ ठीक है, तो अच्छी है, आपने बोला 29, मैंने बोर्ड देखा नहीं ना सर, उसी तरह से सेम जिस तरह लिखा था बिथ पोजीशन सर। ओके आप सर 62, ओके आप बीच में शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, मैं बहुत स्पीड में नंबर पूछ लूंगा। आपने बोला 62 से, जोर से बोलो 1313, ओके आपने नंबर बोला 1313, ओके 1313 से 54, आपने बोला 5454 से 70, ओके 54 के बाद आपने नंबर बोला 7070 49 से 26, 49 के बाद आपने नंबर बोला 2626 से, आपने बोला 5252, आपने बोला 3, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना आप, 3838, 38 के बाद आपने नंबर बोला 9292 के बाद आपने नंबर बोला 8787 से 79, ओके 87 के बाद आपने नंबर बोला 7979 66, 79 के बाद आपने नंबर बोला 6666, ओके 6666, चलो आप बोलो 66 के बाद आपने नंबर बोला 3232 157, ओके उसके बाद लिखिए 157, 32 के बाद 157 200, 157 के बाद आपने नंबर बोला 200 200, 139 उसके बाद आपने नंबर बोला 139, ओके 139, ओके 146, ओके उसके बाद आपने बोला 146। आप चाहो तो अपना नाम भी बोल सकते हो या किसी फ्रेंड का नाम, कुछ भी बोल सकते हो। 99.70, ओके इसमें हंसने वाली कौन सी बात हुई, सिंपल तो है, ठीक है बोलने दो ना, हाँ शॉर्ट नहीं करो बीच में, 99.70 ना, ओके 99.70 से नी टू डिस नंबर। दीपिका तुम्हारा नाम है, ओके दीपिका, ओके से तुम्हारा, तुम बोलो 31, ओके उसके बाद आपने लिखा 318 153, ओके उसके बाद आपने बोला 153 51, ओके आपने नंबर बोला 5151 56, ओके आपने नंबर बोला 5656। यार सब खड़े हो जाओ, तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ ना, स्पीड में आप ही सारा नंबर बोलते चले जाओ। 56 के बाद बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट बोलो लेट हो जाएगी, 56 जल्दी नंबर बोलो 56, मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब बोलना। दैट नंबर इज 3737, दैट 37 के बाद आपका नंबर है 7272, 72 के बाद आपका नंबर है 9999 बोलते जाओ 102, उसके बाद आपने नंबर बोला 102 156, उसके बाद आपने नंबर बोला 156, आप फाइव नंबर बोल दो, लास्ट नंबर आपने क्या बोला 156 ना, 156 आप बोलो 14, शॉर्ट नहीं कर क्या कर रहे हो, 1439, ओके उसके बाद आपने बोला 1439 सही नंबर 1007, ओके उसके बाद आपने बोला 1007, ओके 1007 से 679, ओके उसके बाद आपने बोला 679 क्या 786, ओके आपने नंबर बोला 786, ओके 786 89, आपने नंबर बोला 8989 आकांक्षा, तो क्या करूं मैं,
हाँ तुम तो समझ ही रहा, तो समझने में कैसा क्यों बोला? आपने क्या बोला था? 89 ना आपने, आकांक्षा। ओके मैंने पूछा नंबर, तो बोलते आकांक्षा, हम तो अजीत भारती, तो बोलते आकांक्षा मैं अजीत भारती, नहीं दिस पार्ट ऑफ क्लास, आकांक्षा ना। चलो तुम बोली थी क्या? 1553 है ना। ओके आपने बोला 1553, ओके 1553, 1111, 3301, ओके आपने बोला 301, 140, ओके 301 के बाद आपने बोला 140, 1993, ओके आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ मुझे कैसे पता? 1993, ओके आपने नंबर बोला 1993, ओके 1993 सर, मोटिवेशनल दोगे क्या? मोटिवेशनल, दैट्स अ मोटिवेशनल, 2000 चला गया, 2016 डेट ऑफ बर्थ, 2016, ओके 2016, ओके 2016, 1024, ओके 1024, 1960 लग भी रहे थे, 1964, ये IDBI बैंक का स्थापना दिवस है 1964, IDBI बैंक का फाउंडेड ईयर है 1964, नहीं है, है ना, 1964, ओके 1964, बोलो आप, 27, ओके 2727, क्या 2516, ओके आपने नंबर बोला 2516, 2304, ओके 2304, आप बोलो 170, ओके 174, ओके 174 के बाद आपने नंबर बोला 2525, तुम्हारा 15 नंबर बोर्ड पे हो गया आई थिंक, 50 हुए ना, नहीं 47 आएगा तो हो जाएगा, हाँ तो लिख दो सर, डेट ऑफ बर्थ उसका 51, देखना आप सर ये नंबर एक बार आप सर अब रिपीट कर दो, आप लोग बीच में शॉर्ट नहीं करना सर, ये नंबर आप एक बार रिपीट कर दो सर, आप लोग बीच में बोलना क्या सर, 29 62 13, ओके 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 87 79, ओके 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 146, ओके 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 एक सेकंड सुन, 318, ओके सर 318, ओके सर 153, एक सेकंड सर 153, ठीक है सर 153 के बाद 51, ओके सर 56 सही है सर, 56 के बाद आपका नंबर है 37, ओके सर 37, ओके सर 72 दैट नंबर इज 99, 102, एक सेकंड सर 102, ओके 102, एक सेकंड सर 102 दैट नंबर इज 156, ठीक है सर, ठीक है सर सही है सर 67, एक सेकंड सर 679, ओके 679, 786, ओके 786, ठीक है सर 89, आकांक्षा, ओके ओके 11 है सर, ओके 1111, ठीक है सर, ओके ओके 1993, मोटिवेशनल,
2016 ओके 2016 ओके ओके 1964 ओके 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 174 1704 ओके 1704 एक सेकंड 25 19 ओके इज इट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द नंबर आई एम ट्राइंग बीच में मैं गलती गलत बहुत सारा बोलूंगा लेकिन अब बीच में इंटरप्ट नहीं करना आपको बोर्ड दिख रहा है ना मैं नीचे आ जाऊं यहीं पे से बोल दूं नहीं फिर रिकॉर्डिंग नहीं आएगी ना देखना आप मैं नंबर बोल रहा हूं सुनना आप मैं गलत ही बोलूंगा तो आप मिस्टेक नहीं पहले नंबर लिखा 29 62 13 54 70 49 26 52 38 92 87 79 यस सर ये सर क्या कर रहे हैं 66 32 क्लियर 157 200 139 146 99.70 दीपिका पादुकोण 318 153 51 सही 56 37 72 99 102 156 सही 1439 1007 679 786 89 है ना आकांक्षा है ना 89 है आकांक्षा हा बोले नहीं तो आकांक्षा 1553 क्लियर 11 301 140 हा डेट ऑफ बर्थ 1993 सर मोटिवेशनल कैसा दे रहा हूं ठीक दे रहा हूं मोटिवेशनल 3 साल हो गई तुम्हारी उसी के बारे में तो बोल रहा था 2016 1024 क्लियर 1964 27 2516 2304 1704 25 1947 that's memorized कोई मिस्टेक था कोई मिस्टेक था गांचा नहीं ना कैसा लगा तो क्लैप तो कुछ बड़ी होनी चाहिए ना ये तो बहुत कम नंबर है मैं सुबह से आप शाम तक बोलोगे तो मैं सारे नंबर नेम सारे याद कर जाऊंगा आप लोग एक काम करोगे आप लोग देखने से लग रहा है आप लोग देखने बहुत स्मार्ट लग रहे हो मैं जानता हूँ कि आप ये काम कर दोगे कल मंडे है ना कल इसी समय आकर ये सारे नंबर आप मुझे सुना देना नहीं आकांक्षा नहीं मैंने तो सुना दिया मैं क्या मंगल ग्रह से आया था तो मैंने कैसे सुना दिया आपके पास भी ब्रेन मेरे पास भी ब्रेन लेकिन दोनों में अंतर है अंतर बस थोड़ा सा है मैं बात बताऊंगा हम लोग ये नंबर मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है कि इस नंबर को मैं रिवर्स उल्टा भी सुना सकता हूं सुनाऊं हां ठीक है सुनो देखो आप सबसे लास्ट में लिखा हुआ 1947 दिख रहा है ना 1947 25 सही दस नंबर इज 1704 2304 क्या आंसर सही बोल रहा ना दैट्स 89 786 679 दस नंबर इज 1007 1439 156 102 99 672 37, 56, 51, 153, 318. क्या दीपिका सही है? दीपिका, दस नंबर इज 9,099.70. है ना? दस नंबर इज 146, 139. क्लियर? 200, 157, 32, 66, 79, 87, 92, 38, 52, 26, there's a 49, 70, 54, 79, 62, 29. Clear? नहीं नहीं ऐसे बोलो नहीं एकदम साइलेंस साइलेंस ऐसा हो नहीं सकता आप बोलो नहीं
हो सकता है मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसा आप खड़े हो जाओ बोलने, अब बुक तो बोलना नहीं, हो सकता है मैंने बोला कि गलत हो गया, जहां पे गलत हुआ ना सर बोलना नहीं, सिर्फ वो पोजीशन बताओ किस पोजीशन पे मैंने गलत बोला, थर्ड नंबर। हाँ तो मैं बोला, मैं बताता ना कि मैंने क्या बोला, आपने तो बोल दिया 17 13, मैं बोलता ना कि सही था गलत था, प्रोनंसिएशन में हो गया, कैसा लगा? मैं यहां तक बतला सकता हूँ किस नंबर पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट कितने नंबर पे लिखा हुआ, मोटिवेशन आप खड़ा हो जाइए, आप या तो नंबर बोलोगे या तो आप पोजीशन बोलोगे, आप ये भी पूछ सकते हो इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, या ये नंबर किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लिखा हुआ, आप कुछ भी पूछ सकते हो। चलो सर पूछो, 31 नंबर पे क्या लिखा हुआ, यही पूछ रहे हैं ना आप सर, 1007 सही, 301 40, क्या सर आप भी पूछ रहे हो, 1964 किस नंबर पे लिखा हुआ, 10 नंबर 44 नंबर पे लिखा हुआ है, 44 नंबर पे लिखा हुआ है, और पूछ लो ना सर। चलो तुम पूछ लो, चलो पूछो पूछो, 49 क्या, 49 49 पे क्या लिखा हुआ, तुमको 25 नहीं दिख रहा है, चलो तुम पूछो, 2016 नंबर टू, लो इसको भी पता नहीं, 62, चलो ट्राई, दीपिका यहाँ बैठी हुई है, 20 नंबर पे बैठी हुई, आकांक्षा 35 पे, क्या किस नंबर पे लिखा हुआ, 56 ये पूछ रही हो, ओके किस नंबर पर 56 लिखा हुआ, 24 नंबर पे, किसी भी तरह पूछ लो आप, वो तो 19 नंबर पे लिखा हुआ है, ये पूछी ना, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, मैं माना कि मैं बिहार से आया हूं, किसी भी एंगल से इतना बेवकूफ दिखता हूं, बिहार वाले इतने बेवकूफ होते हैं, नहीं तो तुम बोले सर कैसे बताओ, हाँ कैसे, ऑप्शन नहीं ना सर, आप लोग अमीर आदमी होते, बिहार में गरीब आदमी होते, ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको तो जॉब नहीं लगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पे ऑप्शंस नहीं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, इसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मैं भी बहुत गरीब था, हाँ नहीं है भी अभी भी, आप लोग कुछ दोगे तो ज्ञान दे दूंगा तुम थोड़ा, मैं ज्ञान दे दूंगा तुम थोड़ा, दान दे देना, ट्रांसफर नहीं, एक सब पार्ट, बोला गया ना कि जॉब लग जाएगी ना सर तो मैं आपको दे दूंगा पैसे, यानी कि नहीं देगा, क्या 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 सैलरी नहीं, तब सैलरी थोड़ी मांगूंगा, सर लाखों बच्चों से आगे खड़े हो जाओगे सर विद इन 4 डेज, लाखों बच्चों से आगे, पहले दिन जब तुम यहां से क्लास करके जाओगे तो तेरे घर वाला तेरे को नहीं पहचानेगा कि मेरा बेटा सुबह में टिक गया था, अभी क्या हो गया, अभी तो सुन लो ना सर मैं क्या क्या दिखाता हूं आपको, क्या हिपोटाइज, लो हिपोटाइज, तुमको तो जिसको करना था कर ली, सुनो इसे नो हिपो, जो चीज समझ में नहीं आया ना वो थोड़ा सा लगता क्या हो रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है, यही तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा हूं, हा? फिर उसको मैं डिलीवर करूंगा, बाद में जब तुम सारी चीजें बतलाने लगोगे तब तुम बोलोगे सर इतनी आसान थी इतनी सारी चीजें, मैं तो बेकार का साल भर का सैलरी बोल रहा था, जब तक जो चीज नहीं जानो ना वो चीज टफ है, जो चीज जान गए वो चीज आसान होती है, जीवन का पार्ट है, देखो ना कभी किसी का ना, मैं ऐसी जनरल वे में बोलता हूँ, किसी की अगर शादी नहीं हुई ना सर, अब किसी से शादी होने वाली है, तुम गौर करना, कॉल पे बात होता है, व्हाट्सएप पे बात होता है, मैं इट्स नॉट अ कॉमेडी, मैं मोटिवेशनल बुक पढ़कर मोटिवेशनल चीजें नहीं बोलता, मैं प्रैक्टिकल बात हूँ, एक दिन में ना 50 बार आई लव यू लिखेगा, मैं सही बोल रहा हूँ, आफ्टर मैरिज, मैरिज एनिवर्सरी का डेट भूल जाते हैं, क्या उसके बाद नहीं अच्छा लगता बोलना, उसके बाद अच्छा लगता, फूलकोभी लाए लाए, कम हो जाती है, जब कोई चीज अचीव हो जाती है, कितना कितना बड़ा भी कुछ भी तुम अचीव कर लो, कुछ भी
तुम आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे ना तुरंत, बहुत दो महीने चाहे बहुत लगे, उसके बाद वो सिंपल लगेंगे, बहुत सिंपल जॉब, जॉब तुमको अभी लग रहा है जॉब 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 जो हो जाएगी तो जैसे कैसे लगता है कि मुझे जानी है क्लास, टेंशन होती है, आराम से घर पे यूट्यूब देखते इधर पिज्जा उजा खाते बहुत ज्यादा ठीक था, जब ऑफिस एक दो महीने बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगा ऑफिस जाने, उसके बाद लगेगा सैलरी मंथली को पहुंचा देता, 2-5 हजार कम ही देता लेकिन ऑफिस जाना नहीं पड़ता। इंसान को वही काम करना अच्छा लगता है ना जो जिस काम में उसे मन लगे, इंटरेस्ट हो। हमारे भारत में 98% लोग वही काम करते हैं ना जो काम वो करना नहीं चाहते। आप अभी भी वही काम कर रहे हो जो काम करना आप नहीं चाहते, बोलो गलत बोल रहा हूं? हाँ, तो फिर कैसे सक्सेस होगा? जिस काम में तुमको इंटरेस्ट नहीं तो फिर सक्सेस का रेट तो कम जाएगी ना। जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम में आप सक्सेस करोगे। तो मेरा क्लास ही है कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, आपको मैं मूवी दिखाऊंगा, सीरियल दिखाऊंगा आपको मैं, इसीलिए आप मुझे सारी चीजें याद हैं और आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैंने ये नंबर्स याद कर लिया, इस नंबर से ही सारी चीजें याद होती है, या वर्ड्स, या तो 29 होंगे नहीं तो दीपिका होगी, नहीं तो आकांक्षा होगी, और तो कुछ होगा नहीं लाइफ में। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम्स होते हैं, खैर वो छोड़ो। इस नंबर से बने हुए होते हैं क्यूब, एक एग्जांपल सोचो छोटा, ये 5 मिनट का काम है, 50 साल में भी प्रॉब्लम आज तक वर्ल्ड में कोई सॉल्व नहीं कर पाया, और मैं 5 मिनट में यहां पर खड़े खड़े यू कैन कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। याद करना छोड़ो, तो मेरे ड्राइवर को भी पता है कैलकुलेटर फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने, देखना। इस नंबर को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, 2,962, 1,354, 7,049, 2,692, 3,892, 8,779, 6,632, 157, 2,000 में इसी तरह बोल सकता हूं। मैंने 1,000 में बोल दिया, लाख में बोल दो, करोड़ में बोल दो, तो इसी से तो क्यूब है, हिस्ट्री डेट्स बनते हैं। चलो, किसी के पास मोबाइल में कैलकुलेटर है? सबके पास है तो लेके आओ इधर, कोई एक आओ, कोई आओ ना, क्या पकड़ के लाऊं क्या, आ जाओ 2016 थोड़ा इधर आ जाओ, कैमरे में दिखना चाहिए ना। मैं हर बात में कॉमेडिक करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास, ये बहुत बड़ी साइंटिफिक रीजन है इसका, ऐसा कोई शौक नहीं मुझे कॉमेडी करने का। आ गई, मोबाइल में कैलकुलेटर है तो रहता ही है। 1 to 100 तुमको क्यूब निकालना है, तुमको निकालना है, तुम देख लेना हमसे ये पहले निकालेगी, लेकिन कैलकुलेटर, चलो अब खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। क्या ये पॉसिबल है सर, 1 का 100 का कैलकुलेट, या जो कुछ भी आप उसे बोलते हो क्यूब लिखना, ये पॉसिबल है जल्दी? नहीं ना, आप कोई नंबर बोलोगी जब आप, जब मैं आपको बोलने का आऊंगा, जैसे ही नंबर बोलोगे ना आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप उसका क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे। आप जब क्यूब निकाल लोगे इसके नंबर्स बोलने के बाद, कोई भी नंबर बोलना 1 to 100, आप जब निकाल दोगे उससे मेरे को 3 से 4 सेकंड ही अंतर होगी, मैं 3-4 सेकंड बाद मैं भी लिख दूंगा, ठीक है ना। जब मैं बोलने कहूंगा तब बोलना। नंबर आपको कैसे बोलना, 1 to 100, पहले 100 से 90 के बीच में का नंबर बोलना, फिर 90 से 80 के बीच में बोलना, फिर 80 से 70 के बीच में बोलना, बोलते जाना। मैं जैसे बोलूंगा ना उसे तुम नंबर बोलना, कोई जैसे ही बोलेगा उसे तुम कैलकुलेट करना, दोनों करेंगे। हम जानते हैं कैलकुलेटर जीतेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। सही नंबर 7, अरे चलो बैठ जाता हूँ, चलो खड़े हो जा रहे, आराम से मैं बोलने कहूंगा था। 100 से 90, फिर 90 से 80, ऊपर से नीचे की बोलते आना, बोलो बोलो कहना। 90, 96, 88, 4, 7, 3, 2, हाँ 90, 90, हाँ वो लास्ट पर उसकी उसकी वजह, सही है। चलो अब मैं लिखूंगा ना, मैं बोलूंगा सेनी नंबर 86, 636, 056, 636, 056, क्या बोलो, बोलो तुम सही नंबर 70, 3890117, 3890117, सही 3285 09, 3285 09, क्या है तुम्हें बोलो, अब तुम्हें निकालो, बोलो कोई नंबर, तुम बैठ जाओ। 59, 16, 166, 16, 6375, सही। और बोलो एक लास्ट और बोलो कोई, 23 तो 12167, ये तो मेरा ड्राइवर भी जानता है, सही है। तो क्या कर रहे हो, जाओ ना।
इट इज नॉट अ कैलकुलेशन और ना ये मेरे को याद है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर। कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती तो मेरी जरूरत नहीं थी, बहुत लोग कैलकुलेशन बतलाने वाले हैं। इसे रटनी होती, याद करनी होती तो भी मेरी कोई जरूरत नहीं, आपके बुक्स में लिखे हुए हैं या आपके सर आपको बतला देते हैं कि दोनों में से कुछ नहीं। तो बोलोगे सर है क्या, खैर छोड़ो। 2014 में मैं दिल्ली में प्रीत विहार के एक स्कूल में क्लास ले रहा था, द टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया जर्मनी का एक व्यक्ति जो 1000 ईयर्स के कैलेंडर का डे 6 सेकंड में बतलाता है। सर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जनरल कंपटीशन स्पेशली इन रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना आप मैंने क्या किया, आई एम नॉट अ टीचर, किसी सब्जेक्ट का डीपली मुझे कोई नॉलेज नहीं, नथिंग, आई कैन नॉट टीच यू एनी सब्जेक्ट, एंड इन अदर वर्ड यू कैन से आई कैन टीच यू ऑल द सब्जेक्ट बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट मेड बाय वर्ड्स एंड इज इट क्लियर। देखना आप, वो उसमें लिखा हुआ था जर्मनी का एक व्यक्ति जो 1000 ईयर्स के कैलेंडर का डे 6 सेकंड बतलाता है, दैट वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने सारे लोग सरप्राइज, जितने लोग देखने वाले थे सुनने वाले थे बहुत वायरल हुए, आप लोग भी देखा होगा यूट्यूब फेसबुक पे बहुत छा गया वो। मैं भी सरप्राइज हुआ, मैं भी उस रिकॉर्ड ऑफिस के पास पहुंचा, उसके सीईओ से बोला आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। बोला कितने साल के बताओगे, मैंने बोला प्रीवियस कितने सालों का है, बोला 1000 ईयर्स, मैंने बोला मैं 20000 साल का बताऊंगा। मेरे को ऊपर से नीचे की ओर देखा, बोला क्या बोले, चाइनीज में बोला क्या, हिंदी में बोला 20000 साल 20000। सोचा कि थोड़ा सा तुम्हारी जैसा डिस्टर्ब है, बोला सही सही बोल रहे हो ना हम, क्या तुम सही सही सुन रहे हो ना। बोला कितने सेकंड बताओगे, मैंने बोला प्रीवियस कितने सेकंड का है, बोला 6 सेकंड का, मैंने बोला मैं हाफ सेकंड बताऊंगा, बताया भी था फिर बताऊंगा हाफ सेकंड में, समझा कि तो पूरा ही, और मैंने बतला दिया, डन हो गया। अभी फिर बताऊंगा, एक बार बताया फिर बताऊंगा, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ या कोई भी डेट, एनीवन कोई भी डेट आगे पीछे कहीं से भी, जिसको पूछना हो पहले खड़े हो जाओ उसके बाद बतलाना, किसको पूछना है आ जाओ इधर कम, हाँ तो डेट से बाहर जाओगे क्या, आप इतने बोलने के लिए मैंने बोला नहीं आपका, आप मान लो कि आप डेट ऑफ बर्थ बोला, अब मैं बोल दूंगा तो बहुत लोग बोले सही था गलत था, कोई सर्च करेगा नहीं करेगा, है ना। तो आप ऐसा करोगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का डे है, संडे है मंडे है ट्यूजडे है थर्सडे जो भी है ना, वो ना आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे मान लें संडे है तो संडे लिख दिए, मंडे है तो मंडे लिख दिए, ये लिख के ना आप इसको ना इस बुक से कवर कर देना, कोई देखे नहीं, ठीक है आ जाओ पकड़ो दे, उधर से ही बोल देना उसको कवर करना, सिर्फ डे सिर्फ दिन लिखना कौन सा दिन था, लिख दिया कवर कर दो उसको, ठीक है कर दी कवर, बोलो तारीख बोलो 23 मई 1990, उस दिन सैटरडे था देख लो, सही मैरिज का भी बोल दो, बुलाई तो थी नहीं, बुलाई तो है नहीं सैटरडे को, तो मैं अब क्या बताऊं। तो ठीक है तुमने तुमने सैटरडे बोला ना, तो मैं बता दूंगा तुम्हारा किस साल शादी हुआ, बोलना नहीं ठीक है, तुमने बोली सैटरडे ठीक है, मैं बता दूं, तुमने सैटरडे बोला, मैंने तारीख बतला दूंगा, ये साल बतला दूंगा है ना, कौन साल तुम्हारी शादी हुई, तारीख कौन सी थी, बस इतना ही बोलना तुम, बस 23 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल को तुम्हारी शादी हुई थी है ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 23 अप्रैल को ना तुम्हारी शादी हुई थी है ना, और एक सेकंड रुक जाओ, एक दो सेवन तीन सात का 06 मैं 2016 में शादी हुई थी सही, हाँ मुझे कैसे पता, अरे वो कैटरिंग का काम मैं ही कर रहा था ना, चलो अब, अरे तुम्हारे घर में हुआ था तो, और किसके साथ हुई, तुम्हारे हस्बैंड के साथ हुआ था, सिंपल सी बात है, क्या सर अभी रुक तो जाओ सर, आ जाओ मोटिवेशनल सर से, जैसे क्यों इसलिए तो आया, अब भी कहा मैं तो जबरदस्ती मनाता हूँ, अब भी थोड़ी मना, इधर आओ तो
कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे ये इंपॉर्टेंट डेज है, इसमें वर्ल्ड का लगभग सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखा हुआ है, जनवरी टू दिसंबर। यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेज का नाम लेना, मुझे याद नहीं है, मैं निकालता हूं बताऊंगा इसके बाद, बताऊंगा कैसे। कोई इंपॉर्टेंट डेज का नाम लो सर, यहां से लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त दिसंबर तक, कोई इंपॉर्टेंट डेज का नाम लो सर। राम मनोहर 23 मार्च, लो रुको, ये अपना इंसल्ट अपने खुद करवा रहा है। अरे रुको ना, वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है? सही से बोलो, सीरियस बोलो, 14th और मंथ बोलो, फाइव, क्लियर, मदर्स डे। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, अब तो 14 फरवरी का वैलेंटाइन के 10 दिन पहले से पता होता है। हम हाँ ओके, राष्ट्रीय 29 अगस्त, 20 तारीख नौवां महीना 20 सितंबर, मानव अधिकार, मानवाधिकार ना, एक सेकंड, ये इंग्लिश में बोलो उसको, हिंदी में वहां पे नहीं है। कौन से मंथ में लिखा हुआ है, कौन से मंथ में है? दिसंबर में है ना, 24 का है ना, अच्छा मत अधिकार देगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, 19 तारीख 11वां महीना, 19 नवंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस है ना, 24 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, वोटर्स डे है ना, वोटर्स डे आपका जनवरी में, बताता हूँ ओल्ड, बताता हूँ बताऊ, 25 जनवरी, याद नहीं निकाल रहा हूँ, 25th of January, 4 जनवरी, 4th of January, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, और पॉपुलेशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, गुड, इसमें नहीं लिखा हुआ, पढ़ा नहीं, जो पढ़ा उसी के बारे में बताना, बोलो। ये मैंने ये सारे दिवस है ना सर, है वो तो 24 फरवरी, ये सारे है ना, ये सारे मैं आपको आधे घंटे में याद करवा दूंगा, विद इन 30 मिनट्स, 32 मिनट्स नहीं, 30 मिनट्स, ये मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर किसी को फेथ नहीं हो रहा होगा, हो रहा है, क्योंकि इसे याद करना नहीं है ना। अब वर्ल्ड का किसी कंट्री का आप नाम लो सर, कोई भी वर्ल्ड का कोई कंट्री, हाँ अल्जीरियस, और बोलो बेल्जियम, ये ब्रुसेल्स, हाँ और बोलो मेलबोर्न, साउथ अफ्रीका का वो एक अति है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, मेलबोर्न तो साउथ अफ्रीका अति है, वो तो शहर है वो, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर करेंसी है, और कोई, आप बैठ जाओ सर, हाँ आदिस अबाबा ब्रिटिश करेंसी के, हाँ वेलिंगटन डॉलर करेंसी, कौन सा, ये तो मैंने सुना ही नहीं, कहाँ दिखाओ, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, रिकियाविक, आदिस अबाबा, आर लक्समबर्ग, प्रिटोरिया, बरसा, वो भी इसमें नहीं, बुक्स में वो छोटी है, उसका हटा दिया, गूगल पे भी नहीं आता, जब बहुत सर्च करने पे आता है विकिपीडिया पे, जो है ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जब सब बता दूंगा तो एक दो छोड़ थोड़ी दूंगा, हाँ हेलसिंकी, प्रिटोरिया हाँ कैपटाउन, लेकिन आपको अवेलेबल आपको प्रिटोरिया ही होगा, मैं जानता हूँ, आप बोलो ओपेन हैगन, मुझे याद नहीं है सर, ये तुम सोच रहे हो सर आपकी मेमोरी, आपको याद है बहुत, ये आपका सोचना गलत है। अब मैं डिफाइन करूं कैसे ये कर रहा हूं, हाँ सुनो, मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो उसको कंप्लीट कर दूंगा, जो चीज आपको 10 साल में याद नहीं मुझे 10 मिनट, आप यही सोचो ना, आपने क्यों बहुत बार याद करने की कोशिश की होगी, आपने बेडरूम में आपने लिखकर पेस्ट कर रखा होगा, कभी कभी पेस्ट किया था ना, आज तक याद हुआ बहुत बार, जितनी बार याद हुई उससे ज्यादा बार कोई फायदा हुआ नहीं। अब आप सुनना, मैं आपका 15 मिनट का समय लूंगा, जो याद करने वाली चीजों को आप यहां रखते हो, आपके लिए हेडक है, मैं उसे यहां रखता हूं सुज में,
ये नंबर्स, मान लो कि ये नंबर आपने 100 नंबर दिए होंगे याद करने को, ये 125 नंबर होंगे, एक एक डिजिट करकर आप यहां से ना शाम तक भी नंबर बोलोगे तो मैं सारे नंबर बता दूंगा। कभी गलती से भी नहीं मिस्टेक हो सकते कि कहां पे आपने क्या बोला क्या लिखा, कभी भी पूछ लोगे, जब तक मैं इसको भूलना ना चाहूं। और टेक्निक सिर्फ मैं जानता हूं किसी चीज को कैसा भूला जाए। इसे मैं याद कर लिया तो याद हो गया, अगर मैं इसे चाहूं कि मैं इसे नहीं भूलना तो नहीं भूलना। अब देखो ये कैसे याद मैंने किया, मैंने सारी चीजों को। दिस टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स बहुत लोग यूज करते हैं, और भी हैं लोग वर्ल्ड में जो यूज करते हैं। मैं अपनी बिहारी स्टाइल में इसको यूज किया। क्या किया, क्या मैंने सोचा, ध्यान से सुनना ये टेक्निक। या मैं ऐसा बोलता हूं कि जिस चीज को आप याद करना चाहोगे उसे आप कभी याद नहीं कर सकते, और जिस चीज को आप भूलना चाहोगे उसे आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये डायलॉग मेरा तुम याद रखना, मैं तेरे से ही अभी प्रूफ करवा दूंगा। फिर से सुन लो डायलॉग। जिस चीज को आप याद करना चाहोगे उसे आप याद नहीं कर पाओगे, और जिस चीज को आप भूलना चाहोगे उसे लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाओगे। जस्ट एग्जाम्पल, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बुक निकालकर घर पर पढ़ने के लिए बैठी और ये सोची कि आज बहुत सारे वर्ड्स, मीनिंग, जीके, जीएस, ये वो सारा कुछ याद करके उठूंगा। सोचो ना, कभी कभी बोल नहीं रहा। आप याद करने में बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन अगले कुछ दिनों में पाए याद किया हुआ चीज भूल गए। क्यों भूल गए, अभी तो बताया, क्योंकि याद करने की कोशिश की, इसलिए आप बोल गए। तब बोलोगे सर याद नहीं करूंगा तो याद होगा कैसे, आपने याद करने की कोशिश की, याद हुआ, हुआ याद नहीं। और जिस चीज को आप भूलना चाहोगे आप उसे लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। जस्ट एग्जांपल, कोई आपका दोस्त, कोई नेबर, पड़ोसी, कोई फैमिली मेंबर, कोई लड़की, कोई लड़का, एनीवन, कोई भी आपको हर्ट किया, दुख दिया, नुकसान पहुंचाया, उसे याद करना चाहोगे? सोचते उसे याद करने से मुझे तकलीफ होती है, मैं उसे आज के बाद याद नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे ही बोला नहीं याद करूंगा, एक बार याद किया, फिर आप कसम खाते हो, संकल्प करते हो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं उसे दोबारा याद नहीं करूंगा। आपने उसे दोबारा याद किया। आप उसे जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना आप उसे याद करोगे। इसलिए किसी फिल्म में किसी शायर ने कहा, तुझे भूलना जो चाह लेकिन बोला ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा, अरे बोलो ना, घर के पास साजन चले, हम आपके दिलवाले दुल्हनिया, भारत के नौवें राष्ट्रपति, आयरन का वैलिंग पॉइंट, आयरन का वैलिंग पॉइंट, नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीटी पे 45 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अब आप नहीं बताओगे। दो से दो तरह का मैंने सवाल पूछा, एक पूछा सॉन्ग फिल्म से रिलेटेड, एक आपके कोर्स से रिलेटेड। फिल्म का जब मैं क्वेश्चन बीच में अधूरा छोड़, उसका क्वेश्चन समझो, सॉन्ग को क्वेश्चन समझो, मैं अधूरा छोड़ रहा था, पूरा किसने किया, पढ़ा था तो कैसे पूरा किया, सुना था, कितना सुना, कितने गाने सुने, आपको सारे गाने के अगले लाइन पते हैं। कोर्स का चीज मैंने अधूरा छोड़ा, नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द वैलिंग पॉइंट, बहादुर शाह जफर का शासनकाल, ये दिवस, ये आर्टिकल, इस बुक का राइटर, आप नहीं बताए, पढ़ा था, आप वो चीज नहीं बता पाए जो चीज आपने कभी ना कभी पढ़ा था। सही बोल रहा हूं, गाने कभी पढ़े थे, बहारो फूल बरसाओ, साजन चले ससुराल, ऐसे कभी पढ़े थे, पढ़े थे तो कैसे याद है, सुनना, आप सुना हुआ, यहां बार बार रटा हुआ, बेडरूम में पेस्ट किया हुआ, दिन भर पढ़ रहे हैं, आज पढ़े सामने, सुना कब सुना, सुन एक बार तो सुनना ही है, एक बार तो सुनना ही है, आज से 20 साल पहले के गाने आज सुने थे, कहता ना आपके मोबाइल में सेव होगा ना आपने बरसों से सुना होगा। देखो कैसे आंसर आता है, मैं तो रस्ते से, भेलपुरी, ये कब सुने, बहुत पहले, ऐसे 10 दिन पहले क्या पढ़े पूछूं, बताओ, सही बोल रहा हूं। आज मान लो तेरी एज अभी 20-25 जो भी हो एवरेज, मैं तेरे को 50 साल के लिए कोई जंगल में भेज दूं, अकेले, कोई मोबाइल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई सोशल मीडिया, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं। मान लो ये 2019 चल रही है, अब मैं तुमसे मिलूं 2070 में, और वह तब तक तो तुम तो बहुत बुट, वहां पे मैं पहुंचू और तुमसे पूछू, अच्छा बताओ 50 साल से तुम यहां पे अकेले रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अकेले रह रही हो, बताओ तो मुन्नी बदनाम हुई,
बता पाओगे कि नहीं? उस समय भी बता देंगे, नहीं बताएंगे? एक दो बार सुन लिया, क्यों याद हो गया? क्योंकि बातें सब कॉन्शियस माइंड में चली गई, आपके अवचेतन मन में चली गई। जो चीजें आपकी सब कॉन्शियस माइंड में जाती है, अवचेतन मन में जाती है, आपके दिमाग से डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता है। अगर आप कोई पागल भी हो जाएगा फिर भी उसको याद रहेगा। तो राइट ब्रेन में जाती है कौन सी चीजें? झूठी बातें, फॉल्स बातें, बेकार की बातें। सही बातें कभी नहीं राइट ब्रेन में जाती है। और राइट ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी 95%। और आपकी जो पढ़ाई की बातें वो आपके लेफ्ट ब्रेन में जाती है ऑलवेज, बचपन से आज तक वही जा रही है। 5%, सही से 5% भी नहीं। अब आप देखो, मैंने बोला था कि जो याद करना चाहोगे उसे याद नहीं कर पाओगे, और जो भूलना चाहोगे वो याद हो जाएगी। आपके क्लास करने कहीं भी आप जाते हो, आपके टीचर्स आपको बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ाते हैं, आप भूल ना जाए इसके लिए नोटबुक भी बनाते हैं, घर पे रिवीजन भी करते हैं, फिर भी सारा चीज याद रह पाता है? नहीं। मूवीज देखने जाते हैं, कॉपी पेन लेकर जाती हो, याद करना पड़ता है कि याद आ जाता है? लो, यहाँ याद करने के लिए कॉपी पेन बैठा हूं और रिवीजन भी कर रहा हूं तो भी नहीं याद हो रहा। मूवी देखने गए, एक बार देखे कहानी याद, जो मूवी आपकी एक बार देखी हुई है वही मूवी अगर आपको दोबारा दिखाया जाए और वो मूवी आपको अच्छी लगी हो तो आगे क्या घटना होने वाली है बगल वाले दोस्त को एडवांस में बताते हुए चलते हैं। क्या विवेकानंद के बारे में हाफ पेज में लिखोगी? बचपन से पढ़ते आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखोगे? नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिल्म दबंग, फिल्म बाहुबली के बारे में तो बोलूंगा सर कितने में लिख दूं? एक बार देखा बोल लिख दे, वही तो बता रहा हूं सर, मेरा अभी एक्टिवेट है, ज्यादा पूछेगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बता रहा हूं, वही बता, आपका भी एक्टिव है तभी तो ये गाने के अगली लाइन आपने बता दिया। ऐसा थोड़ी कि राइट ब्रेन मेरा है और आपने भगवान डालना छोड़ दिया, आप में भी है लेकिन उसके यूजेस आप कहां कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं। गाने तो आप ही बता रहे हो ना, बात झूठी हो, जो बातें फॉल्स हो। स्कूल्स में पढ़ते थे, बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी, सबका फेसेस नहीं याद है, एक दो का याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसको भूलना चाह रहे हैं। क्या सही भी बोला? स्कूल्स में बहुत सारी गर्ल्स पढ़ती थी, सैकड़ों गर्ल्स होगी, सबका फेस नहीं याद है, दो एक दो का याद है। क्यों? क्योंकि उसको भूलना चाहते हैं, ना याद आया वो ज्यादा याद आता है। गाने क्यों आपको याद है? मैं इसी के बतला रहा हूं आपको, दूंगा सुनना। आपने लोग बोलता है कि आपकी मेमोरी वीक है, मैं कभी नहीं मानता कि आपकी मेमोरी वीक है। देखो आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, थप्पड़ से नहीं, एक बार बोली, कौन बोली थी, कौन सी मूवी में, उस पिक्चर का हीरो कौन, एक चुन में सोनाक्षी सिन्हा का पिता का नाम, मुगल डायनेस्टी में मोहम्मद शाह का पिता का नाम, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, पढ़ के आई थी। अरे ये नारा किसने दिया, ये नारा किसने दिया पूछूं? तब नहीं तो ये भी तो नारा, ये भी नारा, एक बार कमिटमेंट कर ली तो, ये भी नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस को दिया क्या, विवेकानंद दिया भूल गए, लेकिन सलमान खान दिया वो याद है, क्योंकि उसको पढ़े नहीं थे, देखे थे, हमारे सामने दिया था। हाँ, उसको देखे थे। देखो तुम्हारा क्वेश्चन सही था कि बातें सब कॉन्शियस माइंड में जाए कैसे। सुनो, जो बातें जितनी रियलिटी वो लेफ्ट ब्रेन में, वो याद नहीं होगी। जो बातें जितनी झूठी, तुम खुद जज करो ना, कोई मूवी तुम्हारा देखा हुआ है, अभी मैं सोले लगा दूं, अभी मैं दबंग लगा दूं, बाहुबली यहां पे चले, आगे वाली घटना याद आ जाएगी। अरे गाने तो छोड़ो, उसका टोन बजाते हैं ना म्यूजिक का, तो कौन से गाने का वो ही पता लग जाता है। किताब दिखाने पे अच्छा यही था, नहीं आता सुनना। देखो ऐसा होता सर कि 11 का क्यूब 1100 होता, 12 का 1200, 13 का 1300, 14 का 1400, तो कोई दिक्कत होता? पानीपत का 1500 में, दूसरा 1501 में, तीसरा 1502 में, कोई दिक्कत होता? लेकिन ऐसा तो है नहीं। फिल्म आखिरी याद क्यों होते हैं, गाने आखिरी याद क्यों होते हैं, फिल्म का डायलॉग का नाम आखिरी याद क्यों होते हैं? क्योंकि वो बातें 110% झूठा, फॉल्स। अगर किसी के ऊपर फिल्म बनाई भी जाती है तो मिर्च मसाला लगाकर, इसलिए वो आपको याद होती है। अब देखो गाने क्यों याद होते हैं, क्योंकि वो झूठा होते हैं। देखो कैसे झूठे होते हैं। तेरे घर के सामने एक घर, गाने हैं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, अगर प्लॉट खाली नहीं होगा तो कैसे बनाऊंगा। हो गया, झूठी बातें हैं ना,
चांद सी महबूबा हो मेरी। अब बताओ किसी का महबूबा जिसको चांद जैसा हो। अरे सिंपल लड़की जैसी रहती है, बाहरो फूल बरसाओ मेरा। कभी बाहर ऊपर से फेंका है क्या फूल? झूठ बात है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दोपहर तक तुम्हें प्यार करूं गाने। सुबह से लेकर काम कब करेगा, टॉयलेट वगैरह कब जाएगा? और तो बात है, याद आ जाती है फिल्म की कहानी क्यों याद होती है? झूठी। मैं ये बात सब आपके कोर्स से रिलेटेड बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अ कॉमेडी। कॉमेडी आप इसे मान लो, लेकिन ये आपके जीवन को चेंज कर देगा विद इन 4 डेज में। सुनो आप, फिल्म क्यों याद होती है, वही तो करवाऊंगा। अरे जो संवाद जो विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ, तो भी तो एक स्टोरी होती है ना। लेकिन हमें कोई डेट भी पता नहीं, कब जन्मे, कब पैदा हुआ, कब क्या, कोई भी याद था भूल गए। फिल्म क्यों याद? झूठी। फिल्म में कोई विलेन भाग रहा होता है, कोई हीरो उसका पीछा करता है, किसी का भी बाइक उठाया पीछा करना शुरू कर दिया। आप अपने रोहिणी शहर दिल्ली में कोई ऐसा बाइक बताओ जिसमें चाबी लगा हुआ हो, तो गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई? झूठी बात है। फिल्म में कोई एक्ट्रेस को कोई विलेन तंग कर रहा होता, परेशान कर रहा होता, छेड़ रहा होता, सेम टाइम हीरो की एंट्री होती है। अगर मालूम ही था तो 10 मिनट पहले आ जाते, इस शीशा तोड़ के सेम टाइम आने क्या जरूरत थी? आधा घंटा लेट हो जाता तो फिर झूठी बात है क्या? फिल्म में दिखाएगा ना कि हीरो हीरोइन से मिलने के लिए गई, कितना भी धूप क्यों ना हो, मौसम एकदम से सुहाना हो जाएगा, गुलाब के फूल खिलने लगेंगे, बूंदा बूंदी बारिश होने लगेगी। आप लोग मिलने जाते होंगे तो बोलते आ रहे हैं ना, जाम में फंसे हुए हैं। जानते नहीं आज के मोटर में कितना भीड़ चल रहा है। कुछ नहीं ऐसा होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में फिल्म में क्या होगा, कोई हीरो हीरोइन से टकरा, एक दूसरे की बाहों में गिरी, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू, तुरंत अफेयर हो गया। लड़की क्लियर भी नहीं कर पाएगी शादी शुदा है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, रिंग टोन बजने लगे ऊपर से। अरे पहले गिरने का डर नहीं, एक गाने कैसे बजने लगेंगे? अच्छा 5 मिनट ओवर करता हूँ सर, लेकिन दूसरे क्लास में नहीं जाऊंगा ना सर, क्योंकि ना ये डॉक्टर का मेरा मीटिंग आज है। नहीं तो दो ही शिफ्ट कम बोले थे सर ने, तो कल आज डॉक्टर के पास नहीं, आज तो नहीं हो पाएगी सर, वो कल ही हो पाएगी सर, कल ही हो पाएगी। लाइव चले सर, चलो चलो ठीक है टॉपिक से सुनो हम। हाँ सर बहुत रिदम टूट गया सर, बहुत अच्छी रिदम थे, क्या खूबसूरत पिक्चर बन रही थी। नहीं हाँ सर ने वही काम किया, हम एट ए टाइम अच्छा हो गया। हाँ क्या हाँ 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 तुम वो क्या अंदमान से बैठी हुई हो, बोलना तो हमको पड़ रहा है। हाँ फ्री में तो आदमी कुछ भी पी जहर भी पी जाए। सुनो आप क्या छोड़ो। हाँ सर अब उनको आना मत देना, अब इंटरप्ट तुम कर रही हो, बाहर जा रही हो, अभी तक गई नहीं, कहाँ के लिए बाहर जा रही हो? हाँ जाओ जल्दी, बैग वहीं छोड़ दो। सुनना हम लोग की लाइफ में क्या होती है, फिल्म में क्या होती है, हीरो हीरोइन से टकराई, अरे पहले गिरने से बचो ना, कहाँ गिरेंगे सर, फूटेगा क्या होगा, गाना छोड़ो। अफेयर उसी समय हो गया साला, मैं तो 10 साल से ट्राई कर रहा हूं आज तक नहीं हुआ, उसी समय हो गया। नहीं हम लोग किसी से टकरा कर देखो, गलती से भी अगर टकरा गए ऐसी ऐसी गालियां देंगे कि आदमी डिप्रेशन में चला जाए। गलती से भी टकरा गए हमको, सॉरी तेरे घर में मां बहन नहीं मारे ये सामने, क्या सर आपको लगता याद आ रहा है, चेहरा से लगा सर तुम्हारा भी हो गया। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बातें जितनी झूठी हो, तो पढ़ाई की बातें झूठी कैसी हो,
तो पढ़ाई की बातें भी फिल्म जैसे गाने जैसे हो जाएंगे। आपको लाखों गाने का अगला लाइन याद है? मैं लिखता हूं उसको, लिखो लिखो आप, लिखो आप लिखो हाँ। अरे कल वाली टाइम, कल वाली टाइम बता दोगे ना, सुबह निकल जाए। लिखो आप, हाँ चला जाऊं? मेरा मोबाइल से नहीं लिए फोटोस पहले देख ली। अब आप देखना, अच्छा यूट्यूब पे चल रही ना, देख छोटा देखना आप। सर यही नंबर हमें आज तक परेशान करते आए, क्या सही बोल रहा हूं? इससे ज्यादा दुनिया में नंबर्स नहीं होते। नहीं, वुमेन्स डे आज तारीख 3rd महीना, पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, सब तो इसी में है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हेडेक है, आज तक सॉल्व भी नहीं हुआ। नहीं यार मोटिवेशनल जी, ये आपका गर्लफ्रेंड का नंबर भी इसी में से होगा। नहीं है तो बॉयफ्रेंड का हो तो पार्ट है यार, माइंड मत करो ना, सुप्रीम कोर्ट वाला करेगा तो पहले तुम ही जाओगे। ये नंबर है, इसके लिए, इस नंबर्स के लिए मैंने ये बना दिया। जो मैं क्यूब लिख रहा था ना, एक्चुअल में मैं क्यूब नहीं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, मैंने पूछा तुमको साजन चले, तुमने क्या बोला? दिलवाले दुल्हनिया। क्वेश्चन मैंने शुरू किया ना, खत्म तो तुमने भी किया। यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, तो मैंने भी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके आगे इसी गाने की तरह हो गए। जो आपने क्यों पूछा, मैंने कैटरीना कैफ, करीना कपूर, मलिका शर्मा कुछ भी लिख दिया, ऑलरेडी सेट है। जैसे मैं बोल दूं विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन तो रेखा, सलमान खान तो कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, कोरिलेटेड इन फनी वे, ये हमको याद करना पड़ा। उसी तरह जैसे देखो तुम्हारा नाम है दीपिका ना, देखो ये मैंने लिखा दीपिका 197 इज द दीपिका। सोचो कैसे, सोचो कैसे लिखा दीपिका। तुम्हारा नाम क्या है? नेहा, दैट इज द नेहा, ओनली टू। व्हाट इज योर नेम? आकांक्षा, दैट इज द आकांक्षा। समझो कैसे लिख रहा हूं, सिंपल तो है, देखो तो। हाँ संगीता, संगीता 0-61। अब देखो कैसे लिखा संगीता, संगीता ठीक है। देखो जिसका यूजर्स नहीं है, मोबाइल का नहीं है, उसके अलावा कुछ और करने वो कट गया। एस का हम देखेंगे तो 0 होता है, एन का 2 होता है, इसका 6 होता है, टी का 1 होता है, 0-61। मान लो कोई घटना 0-61 में हुई तो ये तो हमको याद होगा नहीं, तो अपना नाम तो याद रख सकते हो, याद हो गया। अब मैं इसको सारी चीजें अब बताता हूं कि ये याद आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ इसको याद करके आओ, बाकी फर्स्ट डे जब क्लास यहां से करके जाओगे ना, तेरे घर वाला तेरे को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे, बोलेगा कहां से आई हो ऐसे जो हम लोग को पागल बना रही हो। मैं इसे याद करवा देता हूं, ये बहुत अच्छे ढंग से आप याद करके आओगे, जो जितना बेटर ढंग से याद करके आएगा
और लास्ट डे जब क्लास होगी मेरी 4 डेज की क्लास होगी, आपको शायद संडे के संडे आप यहाँ आते हो ना, आपकी क्लास सिर्फ संडे के संडे यहाँ पे होगी, क्लियर। सुबह में भी एक डेमोस्ट्रेशन क्लासेस लिया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने सोचा था कंटिन्यू 4 डेज लूंगा, लेकिन नहीं, वो क्या हुआ कि वो शायद आप लोग वर्किंग है बहुत सारे, है ना, तो आप संडे के संडे आओ, टाइम आपके अनुसार सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको संडे के संडे क्लास करने आना, ये 4 डेज की 4 संडे आपकी क्लास होगी, इस दिन मौका मिला सैटरडे को भी देख लूंगा जैसा भी होगा, है ना, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। इसे याद कैसे करनी है, इसे सो इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ इसे करके आओ, बाकी आप छोड़ दो। यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू करूंगा सर, कोई भी टॉपिक यहां तक क्वेश्चन लिखूंगा, 99.9% स्टूडेंट, बहुत लोग लग रहा होगा ना सर हम तो पढ़ने में वीक है, जो पढ़ने में वीक है उसके लिए उसको सबसे अच्छा से याद होता है, क्योंकि उसका राइट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता है। फिल्म के गाने आपको बतलाने में कोई दिक्कत थी, सेम, कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं या खराब, उसे कोई लेना देना नहीं, हिंदी इंग्लिश लिखने आती है बस इतना काफी है मेरे लिए, तो घर बहुत अच्छे हो। वन के लिए टीडी याद करनी है ना, बन लिखा हुआ ना, क्या बन गया, याद करना पड़ा, मार्कस लुक्स लाइक्स वन, लुक्स लाइक्स वन, क्या बन गया, आप कैलकुलेटर से पहले कैलेंडर का दिन बतलाओगे सर, पहले दिन पहले 8 मिनट के अंदर, 8 से 10 मिनट के अंदर आपके सर के सामने बोल रहा हूं, फास्टर देन कैलकुलेटर, वर्ल्ड की जितनी करेंसी या कैपिटल है इट्स सो इजी, जितने आपने 10 साल में 20 साल में याद नहीं किया उतने इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स, यहीं पे खड़े होके यहीं पे यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी और आप बताओगे। टू के लिए, टू के लिए, टू को 90 डिग्री मूव कर दो, कौन से शेप में आ जाएगा, कोई दिक्कत, थ्री को 90 डिग्री मूव कर दो, कौन से शेप में आ जाएगा, क्लियर। फोर के लिए आर, अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो बचपन में तो फोर ऐसा लिखा होगा, लिखा था, तो अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, आर। फाइव के लिए, हाउ मेनी फिंगर्स इन योर हैंड, फाइव, शेप लुक्स लाइक्स, शेप लुक्स लाइक्स, क्लियर। सिक्स के लिए जी जे सी एच आर एस एच, सी एच एस एच का प्रोनंसिएशन एक जैसा, अपने मन से याद रखोगे सी एच एच एस एच, जी और जे, एक सीधा छे लिखा एक उल्टा छे लिखा, दैट्स जी एंड दैट्स जे, क्लियर। इसको इसको याद करके नहीं आना, इसको क्या करके आना है ना, कि मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है, हाँ टीना, तो आपको तुरंत लिख देना है टीना, ये लिख दिया टीना, और ऐसे अगर ऐसे लिख दिया तो टीना मुनीम जोड़ लो, देखो टीना मुनीम, वन कट गया, टू थ्री, टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री, अगर किसी का क्यू 12,323 है तो हम टीना मुनीम को याद करेंगे, पिछला उसे रिलेट कर देंगे, आई बात समझ में, इतना सिंपल तो समझ में आई, समझ में, बस कोई फिल्म का नाम कोई गाने, क्यूब हो हिस्ट्री डेट सारे जी याद, आपको कुछ नहीं रहेगा, बतला दोगे सारे, मुझे याद कुछ भी नहीं, कहीं से पूछो मैं निकाल देता हूं, क्लियर। सेवन के लिए के और सी, सेवन के लिए के और, दो उल्टा सेवन लिखेंगे तो के बन जाएगा, एक सीधा सेवन लिखा और एक उल्टा सेवन लिखा, क्या बन गया, और के का हिंदी क्या होता है, सी का भी कहीं हिंदी होता है, के और सी। एट के लिए भी और एफ, एट के लिए भी और, एट को रोमन में ऐसे लिखते हैं, भी दिखाई पड़ रहा है, तीन लाइन और खींचा हुआ, दो लाइन को ना सीधा कर दो ऐसे, भी और। नाइन के लिए पी और बी, नाइन को ऐसे लिखते हैं, मिरर में क्या दिखाई पड़ेगा, उल्टा करके देखेंगे तो, क्लियर। जीरो के लिए जेड और एस, जीरो का स्पेलिंग जेड का उल्टा लिखा दो, इसको आप सिर्फ अच्छे करके और बाकी आप छोड़ दो, कि मैं आपको देखो कितना टॉपिक्स मैं आपको याद करवाऊंगा, वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मैंने तेरे को कैसे याद करवाया, वो बेस सीखना है, वो तरीका सीखना है, कि मेरे 4 दिन मेरे पढ़ाने के बाद आप जब घर पे हो या कहीं भी हो, जब आपको कोई चीज याद करनी हो तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करो, आपको आ जाएगी वो नंबर्स, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो, मुझे याद है, क्लियर। अब बतलाता हूं, सुबह में एक डेमोस्ट्रेशन क्लास लिया, अभी लिया क्लास, आपकी यहाँ पे कब होगी, संडे को, संडे के जाते तो वर्किंग है ना सर, संडे है ना, सुनना मेरी फी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपके सर से बात हुई थी, उन्होंने सर कहा कि यहाँ के बच्चों को आप सर थोड़ा फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो सर, यू हैव टू पे ओनली 1,000,
इज 1000 ईच स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बुक बुक वगैरह आपको सारा कुछ इसमें असाइनमेंट वगैरह सारा इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो होता क्या है ना कि अभी यूट्यूब पे चल रही है और या फेसबुक पे बहुत सारे बच्चे आएंगे यहाँ पे क्लासेस के लिए, ये नहीं कि मैं 100 बच्चों को दे रहा हूँ तो 100 ही बच्चे आएंगे क्लासेस के लिए, पता नहीं कितने बच्चे आएंगे। तो क्या होगा कि अगर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर क्लास कौन बच्चे कर पाएंगे कौन बच्चे नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नहीं होगी। मान लो कि मतलब संडे से क्लास रखा और संडे को आ जाए 500 बच्चे तो कहाँ बैठ पाएंगे, मुश्किल होगी ना। जो भी क्लासेस होगी वो सामने वो नहीं कि वीडियो पे नहीं, डायरेक्ट क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन पूछते इसलिए मैं डायरेक्ट क्लास चलाता हूँ। फिर कितनी है वो 1000 रुपीज। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्लास में ही सर है ना, मुझे कैसे पता लगा कितने बच्चे आ रहे हैं, या ज्यादा बच्चा नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी, कम हो जाए ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो वो रिटर्न होकर चला जाएगा ना। बाहर में आपके ऑफिस में या क्लास में ही 100 रुपीज की रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको प्रोवाइड की जाएगी। कि प्राइस कितनी है 100, तो रेस्ट ऑफ 100 रुपीज उसी 1000 में माइनस होगी तो रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको कितनी पे करनी है, ये 900। जब आप क्लास करोगे, क्लास करने आओगे नेक्स्ट संडे को, टाइमिंग आपको सर बतला देंगे, जो भी आपकी टाइमिंग उससे क्लास इंटर करने से पहले ये है आपको पे 900। ओके, और मेरे बारे में आप सर्च कर सकते हो, अजीत भारती आप लिख देना यूट्यूब पे या गूगल पे, देख लेना कब क्या 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 बनाया, यही सारी चीजें हैं बहुत सारी। हाँ, नाम और मोबाइल नंबर लिख के पेपर दे देंगे तो हाँ सुनो, तुम लोग ऐसा करो ना कि जो इंटरेस्टेड है वो एक पेपर पे अपना नाम मोबाइल नंबर 100 रुपीज ऑफिस में अब जाओ और दे दो। नहीं तो उसको क्या करना है सर, यहीं पे करवा देना क्लास में ही, इसके बाद कोई क्लास है कि ना। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, तो आप मैम क्लास है ना, ठीक है क्लास बहुत सारा चीज दिखाना था वो मैं सिखा दूंगा आपको दिखाने के, आप सारे लोग अपने अपने फेस देख लिया, अब तुम लोग बाहर चले जाओ, फिर सबको वहीं बैठा दूंगा जहां वो बैठा हुआ था। अगर आपने अपना कलर ड्रेस चेंज कर लिया तो मैं बता दूंगा कि आप येलो पहने हुए थे, अब ग्रीन आगे पहन के आप ऐसे हैंड का मूवमेंट था, अब आपका हैंड का मूवमेंट ऐसे था, मैं सारा वो सारा इसी चीजें से होती है क्लास अच्छी। दो घंटे की क्लासेस होगी ओवरऑल, 10 घंटे की सेशन होगी तुम्हारी, 10 घंटे की। देखो ऐसे मेरे पास 6-7 घंटे की होती, सर ने बोला 10 घंटे, फी मेरी ज्यादा होती 5000 होती है, सर ने बोला कि आप पहली बार यहाँ पे सर आप पहली बार आप करवाओ तो मैंने 1000 कर दिया, उस बुक वगैरह सारा उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करनी है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप जाकर रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्लास ही, आप जब भी हाँ नहीं कंप्लीट द क्लास, 250 रुपये क्लास समझो, 400 फिर घंटे से मिनट से निकालू क्या, 1000 रुपीज कंप्लीट, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, उसके बाद 1000 रुपीज देने के बाद आप आओ तो अच्छा है, नहीं आओ तो अच्छा है, कंप्लीट। आप 1000 पर क्लास समझ रहे थे क्या, देना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, टोटल कितने 1000 टाइमिंग देख लेंगे जैसे बोलोगे वैसे, टाइमिंग वो सेटेबल हो जाएगी। ओके आज नहीं आज क्लास नहीं, ये तो डेमोस्ट्रेशन क्लासेस है, मैंने सिखाया कहा, क्लास अच्छी लगी हाँ बोलो। सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट को मिलेगा, 15% स्टूडेंट को मैं या 10-15% स्टूडेंट उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देता हूँ। जैसे मैंने कोई टॉपिक दिया, मैंने 50 कंट्री और करेंसी या 50 दिवस या ऐतिहासिक या आर्टिकल कुछ भी बोला, उसे भी मैं टेस्ट पेपर दूंगा, लिखने का सारे लोग आंसर लिख देंगे नो डाउट ईच एंड एवरी सारे। तो फिर जजमेंट कैसे होगी, जजमेंट ऐसे होगी ना कि जो सबसे पहले प्रत्येक डेली टेस्ट होगी, हर टॉपिक में टेस्ट होगी, जो सबसे पहले मेरे पास जमा कर देगा और उसका सारा सही रहा, अगर मैं 100 क्वेश्चन बोला, अगर किसी ने 99 क्वेश्चन का आंसर लिखा तो मैं उसकी पेपर फाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ कचड़े में, 100 में 99 सही लिखा होगा तो फाड़ के बाहर फेंक दूंगा कचड़े में। मतलब ये नहीं कि आपने 99 सही लिखा, अब तो खुश हो सर 99 लिख दिया, नहीं तुमने ये गलत क्यों लिखा, क्यों कहीं ना कहीं कमी है आप में, एक गलत क्यों होगी, 100 में 100 सही और वेरी फास्ट, तब जाकर मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा। अच्छा तो सब लिख देगा तो सबको सर्टिफिकेट थोड़ी दे दो, फिर एडमिट कार्ड हो जाएगी, क्लियर, तो वो सर्टिफिकेट का भी से टेंशन है ठीक है, उसका अलग से 2000 देना हो जाएगा। ओके थैंक यू ठीक है।